नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। पटना के प्रॉपर्टी डीलर आलोक शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि 2 घंटे में पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिला सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगे कहा कि आलोक की हत्या के लिए पार्टनर के भाई ने ही शूटर को पैसा दिया था, उसी ने ही पूरा खेल रचा था। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल 2 कट्टा भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार कई शूटर्स अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आइए सुनते हैं पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा संवाददाता सम्मेलन में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, दिनांक 10 नवंबर को रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रॉपर्टी डीलर थे आलोक कुमार, जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और घटना प्रतिवेदित होने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं, जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था। और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है, उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं। और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पर इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, अभी तक के अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई है। लेकिन इसी भय के कारण कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है और उनके भाई के हिस्से का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया और उस दिन जो है उनकी हत्या कराई गई। इस पूरे मामले में जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि 10 लाख रुपये जो है दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो शूटर्स थे, तो 2 मोटरसाइकिल पे जो 6 शूटर्स आए थे, उनमें से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक जो लाइनर था, जिस जो उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दे रहा था, जो मृतक हैं, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या के बाद जो है जो हथियार रखा गया था जहाँ जिस महिला के पास, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है संजीव कुमार उर्फ छोटे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना अपराध जो है स्वीकार भी कर लिया है और यही सब कारण बताए हैं और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा जो है इस पूरे मामले में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 2 पिस्टल और 2 कट्टा, वो चारों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 18 कारतूस, 7 खोखा और 1 पिलेट भी बरामद की। घटना में जो 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, एक घटना स्थल पर ही अपराधियों द्वारा छोड़ दी गई थी, भागने क्रम में छूट गई थी। और एक दूसरी जो बुलेट थी उसको भी जो मुख्य शूटर था उसके घर से बरामद कर ली गई। इस प्रकार इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 4 अन्य शूटर्स की भी भूमिका आई है, जिसको हम लोगों ने पहचान कर ली है, जिनकी उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के उद्घाटन में सिटी एसपी वेस्ट श्री राजेश जी और एसडीपीओ फुलवारी अभिजीत, इनके अलावा जो एसएचओ रूपसपुर, एसएचओ नौबतपुर और तकनीकी शाखा के जो इंस्पेक्टर हैं दीपक, वो और कई और ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया और लगातार पिछले 2-3 दिनों से फेस्टिवल्स की व्यस्तता के बावजूद इन लोगों ने लगातार रेड किए और उसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। तो उसके लिए राजेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।